नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस ऑफिशियल चैनल HP YouTube क्लासेज में स्वागत करता हूं। चलिए सभी लोग को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों। मैं दोस्तों आप सभी लोग को कक्षा क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा हूं और ये उम्मीद कर रहा हूं कि जितने भी वीडियो मैं आपसे आपको पास प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोग इसको अच्छे से देख रहे होंगे। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें, पढ़ाई में वो ताकत है जो दुनिया की सबसे अच्छी से अच्छी चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। यदि आप पढ़ाई करके अच्छी सी नौकरी कर लीजिए, मेहनत करिए और मेहनत रंग लाएगी क्यों नहीं दोस्तों, बस आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए और उसके बाद बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए। तो चलिए हमारा क्वेश्चन अगला है, प्रश्नावली 8.3 क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो कम से कम 6 अंक का जरूर आएगा दोस्तों। 6 अंक का तो 100% आना तय है दोस्तों। तो ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए यहां लिखा क्या है, कह रहा कि यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे दुई बराबर कास ए बाई टू। दोस्तों मैं आपको और बता दूं कि जो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है वो सदैव 180 अंश होता है। जो त्रिभुज होते हैं तीन होते हैं, जिसे एक बात करें समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और सम द्विबाहु त्रिभुज। ये तीनों के कोण आपस में बराबर होते हैं चूँकि अंतः कोण होते हैं, और अंतः कोण का योगफल हमेशा याद रखना 180 अंश होता है, और प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 60-60 अंश के होते हैं। यहाँ वही कहा गया है। तो यहाँ पर हम हल में क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के अंतः, ठीक है, अंतः कोणों का योगफल, ठीक है भाई, अंतः कोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है, ये देख लीजिए। तो ये अहम बात है भाई, कह रहा कि त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है 180 अंश। आप देखिए तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हुआ 180 अंश हुआ ना भाई। आप देखिए मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये ए जो है आप ए को पक्षांतर कर दीजिए भाई, ए को आप पक्षांतर कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा क्या b प्लस सी बराबर 180 अंश से माइनस क्या बचा a बचा, क्लियर। अब देखिए इतना तो हमें मिल गया। अब भाई अगली लाइन में इसके करना क्या है कि दोनों पक्षों में साइन से आप गुणा कर दीजिए, या एक चीज़ और थोड़ा सा देख ले, बात ये करें यहाँ आप पहले दोनों पक्षों में दो से भाग कर दीजिए भाई, दो से भाग करिए। चलिए यहाँ लिखेंगे, इधर देखिए दोनों, ध्यान से देखना, दोनों पक्षों में दो से भाग देने पर ये देखिए, तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्या b बटे दो प्लस सी बटे दो बराबर 180 बटे दो माइनस ए बटे दो। ये देखिए हमने आप भाग कर दिया, देखिए दो एकन्नम दो, दो नवा कितना हुआ 18। अब यहाँ हर बराबर है तो लिखा जाएगा क्या b प्लस c बटे दो बराबर लिखेंगे 90 अंश से माइनस a बटे क्या लिखेंगे दो, 90 अंश माइनस a बटे दो लिख दीजिए। अब देखिए इसको आप ब्रेकेट में ऐसे क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, क्लियर। इतना तो समझ में आ गया भाई, इतना आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आता एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए हमने कहा कि त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोणों का जो योगफल होता है भाई वो कितना होता है 180 अंश होता है। अब आपके त्रिभुज की जो मैं बात करूं, अगर यहाँ देख लेते हैं ये त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज अंतः कोण, ये देखिए 60 अंश, ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश। अगर कोण ये ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी, देखिए ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 प्लस कितना हुआ 60 हुआ ना, ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी 60 120 कितना हुआ 180 अंश। ये देखिए आ गया ना, तो मैं यही तो आपसे यहाँ लिखा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 अंश। बस आप देखिए हमने उसके बाद क्या किया, कहा कि ये a को पक्षांतर कर दीजिए, b प्लस सी बराबर 180 माइनस कितना a,
अब आगे करना क्या था, दोनों पक्षों में दो से भाग कर दिया, क्योंकि दो से इसलिए हमने भाग किया कि अगर समकोण त्रिभुज 90 मिलेगा तभी वो परिवर्तित होगा। अब देखिए यहाँ b बटे दो प्लस c बटे दो बराबर 180 बटे दो माइनस a बटे दो, दो से काट दिया कितना आ गया 90 अंश आ गया। तो यहाँ b प्लस c बटे दो बराबर 90 माइनस a बटे टू, इतना तो समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा इधर मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि इधर नहीं दिखाई देगा। यहाँ लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः, हाँ दोनों तरफ या दोनों पक्षों में, दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, ठीक है भाई, साइन से गुणा करने पर, ये देखिए कर दिए। आप चलिए उतार लीजिए, यहाँ देखिए लिखा है b प्लस c बटे कितना लिखा है, दो लिखा है, क्लियर, बराबर लगाएंगे, ठीक है। अब फिर क्या लिखा है, 90 माइनस a बटे दो, 90 माइनस a बटे दो। अब हमने आपको बताया ना कि दोनों तरफ किससे गुणा करना है, साइन से, ये देखिए साइन, यहाँ भी क्या लिखेंगे साइन, हो गया। अब इसको आप ऐसे उतार दीजिए, साइन b प्लस c बटे दो बराबर। अब देखिए ये चतुर्थांश में चला गया, कहाँ चला गया भाई, चतुर्थांश में, क्लियर। अब देखिए 90 बदल जाएगा, 90 क्या होगा, बदल जाएगा, और साइन किस में बदलेगा, कास में, साइन किस में बदलेगा, कास में, और थीटा का मान क्या है, ए बटे दो। ये देखिए यही तो आपको चाहिए था ना, देखिए सिद्ध हो गया कि नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, ये देखिए हो गया आपका, क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपको ला रहा हूँ जी। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ छठा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक देख लेते हैं आज का इस चैप्टर का प्रश्नावली 8.3 का अंतिम क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है, देखिए कह रहा है कि साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश को 0 और 45 अंश के कोण के बीच में के त्रिकोणमिति के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है, यही कह रहा है ना। तो चलिए कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर हल में देखिए कह रहा है कि साइन 67 अंश प्लस कास कितना लिखा है, 75 अंश लिखा है। मैं ये उम्मीद बात करूं कि अगर साइन 90 में कितना घटा दिया जाए कि 67 आ जाए, और 90 में कितना घटा दिया जाए कि 75 आ जाए, तो आप समझ में आ गया ना भाई। अब देखिए यहाँ साइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 23 जी। देखिए 90 में यदि मैं 23 घटा दूँ तो आपका 67 बचेगा ना, प्लस लगाएंगे, कास लिखेंगे, फिर देखिए 90 माइनस 90 में कितना घटा दिया जाए कि आपका कितना आ जाए, 75 कितना घटा दे भाई, 15 अंश, ये देखिए समझ में आ गया। अब देखिए ये चतुर्थांश पे आ गए ना, तो ये देखिए साइन बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 है, 90 बदल जाता है, 90 270 चेंज होता है, 180 और 360 परिवर्तित है नहीं होता है। ये देखिए साइन का बदले किस में, कास में, ठीक है, और थीटा का मान यहाँ कितना है, 23 अंश, प्लस लगाएंगे, ये देखिए कास बदलेगा, कास किस में बदलेगा, साइन में, यहाँ साइन, और थीटा का मान कितना आ गया, 15 अंश, ये देखिए यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए ये 0 अंश से बड़ा है और 45 अंश से क्या है, छोटा है। तो दोस्तों बस आज इतना ही, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऐसे ही आप लगातार मेहनत करते रहिए, और मैं आपसे बहुत सारे मेहनत कराऊंगा, बस आप लोग ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली वीडियो का हम इंतज़ार करते हैं। आप सभी छात्रों को इस YouTube पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक्स।